न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम कहते हैं एक्सीडेंट या इंसिडेंट रिपोर्ट को, जैसे कोई भी दुर्घटना या कोई भी घटना, जैसे मान लो कहीं पे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि नेचुरल डिजास्टर है, जो इंसान की लापरवाही से नहीं हुआ है बल्कि नेचुरल है, जैसे अर्थक्वेक आ गया या कहीं पे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जाते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। तो प्रिंट मीडिया के अंदर जब उस रिपोर्ट को लिखा जाता है तो उसमें कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम मेंशन करते हैं? तो सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज होती है बच्चों टाइटल। सबसे पहली चीज होती है टाइटल। टाइटल क्या आएगा? नॉर्मल लिख दो, रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा और क्रिएटिव लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, उस एक्सीडेंट में क्या हानि हुई उसके बारे में बता सकते हो। जैसे टू पीपल डाइड एंड वन मेजरली इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, या सिर्फ वन मेजरली इंजर्ड। जब लोग देखते हैं ना, वहां हेडिंग में लिखा होता है टू पीपल डाइड, तो लोगों का इंटरेस्ट जागता है कि यार कैसे, क्या हुआ होगा, है ना। तो टाइटल में आप उसकी हैपनिंग के बारे में बता सकते हो कि क्या घटा है, क्या नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है या प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, वो लिख सकते हो। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। पहली चीज आती है बच्चों क्या हुआ, ठीक है, कब हुआ, कहां हुआ, ये तीन चीजें। अब ये जो वेयर आता है, इस वेयर के साथ में बच्चों एक आइडेंटिकल प्लेस आता है। आइडेंटिकल प्लेस लैंडमार्क को कहा जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि कल एक रोड एक्सीडेंट हुआ, कल एक रोड एक्सीडेंट हुआ सागरपुर काली माता मंदिर के पास, ठीक है, तो ये मैंने बताया। तो यहां पे सागरपुर एक बड़ी प्लेस है, लेकिन अब पता कैसे चले कि एग्जैक्टली कहां हुआ? लोगों जैसे सुनते हैं सागरपुर में हुआ तो लोगों के अंदर आता है यार सागरपुर में कहां, तो मैंने बोला शकुंतला हॉस्पिटल के पास हुआ, या फिर मैंने कहा काली माता मंदिर के पास हुआ, है ना। तो इस तरीके से चीजें पता चलती है, क्लैरिटी मिलती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यस्टरडे अ रोड एक्सीडेंट, पहले वाले मैंने क्या बताया था पहले सेंटेंस में, हैड प्लस V3, यस्टरडे अ रोड एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस। रोड एक्सीडेंट होने के लिए टेक प्लेस वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? टेक प्लेस। टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। यस्टरडे अ रोड एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस इन सागरपुर या एट सागरपुर नियर काली माता मंदिर। समझ में आ गई बात? अब सेकंड वाला जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है हाउ, कैसे हुआ। अब ये हाउ ही मेन पॉइंट है। इस हाउ के तीन पार्ट्स होते हैं बच्चों। पहला पार्ट होता है बिफोर द एक्सीडेंट, बिफोर द एक्सीडेंट। दूसरा पार्ट होता है एट द एक्सीडेंट, एट द एक्सीडेंट। तीसरा पार्ट होता है बच्चों आफ्टर द एक्सीडेंट, आफ्टर द एक्सीडेंट। बिफोर द एक्सीडेंट का मतलब ये होता है जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले क्या चल रहा था, उससे पहले वहां पे लोग खड़े थे, जो पैसेंजर्स थे वो बस का वेट कर रहे थे, जो हॉकर्स थे या जो छोटे मोटे जो स्टॉल्स के लोग थे वो अपना सामान बेच रहे थे, वहां पे मंदिर में लोग प्रे कर रहे थे, रेड लाइट हो रखी थी, ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी बिफोर के अंदर। और फिर उसके बाद एट द एक्सीडेंट में क्या आएगा, पूरे के पूरे एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन आएगा कि तभी देखा गया कि एक ट्रक था जो बहुत हाई स्पीड से चला आ रहा था, इट वॉज रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम द एंड ऑफ द रोड, और लेफ्ट साइड से जैसे ही ग्रीन लाइट हुई तो इट वॉज सीन कि एक ट्रक बहुत हाई स्पीड से चला आ रहा था, एंड देयर वॉज अ कार दैट वॉज कमिंग फ्रॉम द फ्री डायरेक्शन जो कि दूसरी साइड से आ रही थी, और ट्रक ने क्या करा, उसको टक्कर मार दी। और जैसे ही टक्कर मारी तो वो कार जो है और जो ट्रक है उनके बीच में जो कॉलिजन हुआ उसकी एक बहुत बड़ी नॉइज सुनाई दी और सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। तो ये आ गया आपका एट द एक्सीडेंट। फिर आफ्टर द एक्सीडेंट के अंदर क्या आ सकता है, आफ्टर द एक्सीडेंट के अंदर आ सकता है भाई कि एम्बुलेंस को बुलाया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, और इसके अलावा क्या आ सकता है, कंक्लूजन कि भाई ये जो एक्सीडेंट हुआ ये क्यों हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है कि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, कि ये रेकलेस ड्राइविंग का रिजल्ट था। रेकलेस ड्राइविंग मतलब जो लिमिट में ना हो, है ना। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें यूज करने हैं। टेंस कौन सा यूज करना है, पहले वाले सेंटेंस में जो रूल लगाना है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उससे आगे के जितने भी सेंटेंसेस जहां वर्ब आ रही होगी वहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम करते हैं स्टार्ट, लेट सी, अगर हम इसको रिपोर्ट करते हैं, ऊपर टाइटल आया रोड एक्सीडेंट, फिर व्हाट आया, यस्टरडे अ सीरियस रोड एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस एट सागरपुर
नियर काली माता मंदिर। अब बिफोर दी एक्सीडेंट के अंदर आप सबसे पहले मेंशन कर सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में कि ये कब की बात है। तो आपने लिखा इट वॉज द टाइम ऑफ 12 या इट वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून व्हेन द रोड वॉज नॉट बिजी, जब रोड बिजी नहीं था। देयर वर अ फ्यू डिवोटीज हु वर प्रेइंग एट द टेम्पल, कुछ डिवोटीज थे, कुछ भक्त लोग थे जो प्रे कर रहे थे टेम्पल के पास। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड वेटिंग फॉर द बस, कि कई सारे लोग बस का वेट कर रहे थे। द हॉकर्स वर शाउटिंग फॉर देयर वेयर्स, कि जो हॉकर्स थे जो सामान बेचते हैं पैदल या स्टॉल्स पे, वो लोग अपने वेयर्स, वेयर्स मतलब जो सामान है उसको शाउट कर रहे थे, ये ले लो वो ले लो। जस्ट देन तभी अब एट द एक्सीडेंट आ गया, अ ट्रक वॉज सीन रनिंग एट अ हाई स्पीड फ्रॉम द एंड ऑफ द रोड, मतलब एक ट्रक को देखा गया जो बहुत हाई स्पीड पे एंड ऑफ द रोड से दौड़ते हुए आ रहा था। देयर वॉज ग्रीन लाइट, देयर वॉज रेड लाइट, रेड लाइट थी। एंड अ कार विच वॉज कमिंग फ्रॉम द ग्रीन साइड, जो ग्रीन साइड से आ रही थी, इट वॉज हिट बैडली बाय द ट्रक, और ट्रक ने क्या करा अपनी रेड लाइट को जंप किया और इट वॉज हिट बाय द ट्रक, और जो कार थी वो हिट हो गई बाय ट्रक। इट वॉज अ ह्यूज कॉलिजन, मतलब ये बहुत बड़ा कॉलिजन था, बहुत बड़ी टक्कर थी। द नॉइज वॉज हियर्ड क्लियरली, या अ बिग एक्सप्लोजन वॉज हियर्ड बाय एवरीवन, मतलब हर एक बंदे ने जो बिग कॉलिजन था, जो बहुत बड़ा कॉलिजन था, उसकी जो नॉइज थी उसको सुना। एंड द पीपल गैदर्ड एट द स्पॉट, ये सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। द कार ड्राइवर डाइड ऑन द स्पॉट, कि कार ड्राइवर मर गया उसी टाइम पे। तो ये हमारा आ गया एट द एक्सीडेंट। फिर आफ्टर द एक्सीडेंट आया कि द ट्रक ड्राइवर एस्केप्ड, ट्रक ड्राइवर वहां से एस्केप करके चला गया। द एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड विच कैरिड द डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम, देन पुलिस केम एंड स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिगेशन, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ केयरलेस ड्राइविंग, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। और लास्ट में यहां पे क्या आएगा, रिपोर्टेड बाय और नेम आएगा। समझ में आ गई बात सभी लोगों को? तो इस तरीके से न्यूज़पेपर रिपोर्ट करेंगे। इसका भी फॉर्मेट मैं एक भेज दूंगा, उसको नोट कर लेना और उसको याद कर लेना। ज्यादातर केसेस में रोड एक्सीडेंट या फायर एक्सीडेंट का ही आता है, बट मेरा ये मानना है अगर इवेंट रिपोर्ट आती है आर्टिकल के चॉइस में, तो इवेंट रिपोर्ट को करना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, इवेंट रिपोर्ट बहुत अच्छे से हो जाएगी।